गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बीहाइव चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1, संतोष यादव। संतोष यादव इज ए नेम ऑफ ए गर्ल। एट फर्स्ट आई डिस्कस यू अबाउट द ऑथर और संतोष यादव। संतोष यादव बॉर्न इन 1969 इज एन इंडियन माउंटेनियरिंग। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कैंगसूंग फेस। शी क्लाइंब द पीक फर्स्ट इन मे 1992 एंड देन अगेन इन मे 1993। शी इज ए पद्मश्री अवॉर्डी। तो संतोष यादव जो है एक पर्वतारोही रहती है जो विश्व की एक पहली महिला बनती हैं जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की। उस पर भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए उसको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है। तो हम लोग आज संतोष यादव के बारे में ही पढ़ेंगे। संतोष यादव का ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। संतोष यादव वाज द सिक्स चाइल्ड बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ 5 सन्स। कह रहे हैं कि 5 भाइयों के बाद वो 6ठी बहन हुई। इन ए स्मॉल विलेज जोनीवास इन द रेवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के रेवरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनीवास में उसका जन्म हुआ। हर पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड एफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इवन टू दिल्ली फॉर देयर एजुकेशन। कह रहे कि उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही समृद्ध जमींदार थे। वो चाहते तो अपने सभी बच्चों को दिल्ली जैसे बड़े शहर में स्कूल में पढ़ा सकते थे। बीइंग अ गर्ल संतोष हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। She, however, decided to revolt and threatened that she would not enter into matrimony if she did not acquire education. कह रहे कि गर्ल्स चाइल्ड होने के कारण संतोष यादव को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने इन सभी सामाजिक कुरीतियाँ परिस्थितियों इन सब का बड़े दृढ़ता से मुकाबला किया। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी साफ मना कर दिया था कि जब तक उसका एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं करेगी। उसके पेरेंट्स बहुत समृद्ध होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वो गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। इसका कारण ये था कि वो पुराने रूढ़िवादी विचार के लोग थे। वे लोग कि यहाँ पर एक परंपरा के तौर पर चला आ रहा था कि जो भी बच्चे होंगे वो गांव के स्कूल में ही पढ़ेंगे, और वहाँ पर ये ट्रेडिशन था कि नॉर्मली 14-15-16 साल तक होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो संतोष यादव के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो संतोष यादव इस चीज़ को बड़े ही टैक्टफुली तरीके से डील करती है और अपने पेरेंट्स को साफ मना कर देती है कि जब तक उसका एजुकेशन पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं। शी ऑल्सो वॉन्ट देम दैट शी वुड अर्न हर ओन मनी इफ़ रिक्वायर्ड टू पे हर फीस। कह रहे कि उसके पेरेंट्स जब वो स्कूल्स के लिए दिल्ली चली जाती है पढ़ने के लिए तो उसके पेरेंट्स उसको आगे पढ़ने से मना करने के लिए क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, हम कोई पैसा नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में भी संतोष यादव जो है घबराती नहीं है और अपने पेरेंट्स को साफ कर देती है कि आप अगर पैसा नहीं भी भेजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा लूँगी और उससे अपना एजुकेशन हासिल करूँगी। फाइनली हर पेरेंट्स गिव अप। अंत में जब देखते हैं कि उसकी बेटी हर चीज़ पे अड़ी हुई है तो वो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, अब वो साथ देते हैं उसके पढ़ने लिखने में। आफ्टर हर स्कूलिंग शी ज्वाइंट द महारानी कॉलेज फॉर हायर स्टडीज़।
इट वॉज इन द होस्टल एट अरावली हिल्स एट महारानी दैट सी वॉज इंट्रोड्यूस टू द वंडर्स ऑफ द माउंटेनियरिंग। कह रहे कि स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वो महारानी कॉलेज में नाम लिखाती है। महारानी कॉलेज अरावली हिल के किनारे रहता है। हॉस्टल में जब वो बैठी रहती है तो वहाँ से वो अरावली हिल को बार बार देखते रहती है। वहाँ देखती है कि लोग कैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते गायब, मतलब अदृश्य हो जा रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सोचकर वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो भी उस पर चढ़ेगी और वही उसके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसको कुछ माउंटेनियर्स, पर्वतारोहियों मिलते हैं और उनसे इंस्पायर होकर वो भी पर्वत पे चढ़ने का निश्चय करती है। सी इनरोल्ड एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तराकाशी में है उस पे अपना नाम लिखवा लेती है ट्रेनिंग के लिए। सी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट एट द टेंडर एज ऑफ 20 ईयर्स बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन टू कम्प्लीट द फीट। मात्र 20 साल की कम उम्र में ही वो पहली महिला बन जाती हैं जो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाती हैं। आयरन विल, फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस वॉज व्हाट हेल्प्ड हर। कह रहे कि उसकी दृढ़ शक्ति और शारीरिक और मानसिक शक्ति उसकी इस कामयाबी के, सफलता के मंत्र हैं। शी वॉज नॉट जस्ट अ माउंटेनियर बट अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन। कह रहे कि वो केवल एक पर्वतारोही ही नहीं बल्कि बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन भी होती हैं। इन द 1992 एवरेस्ट मिशन शी वॉज सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ क्लाइंबर हु वॉज नियरली अबाउट टू डाई बाई शेयरिंग हर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे कि 1992 में जब वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा मतलब कर रही थी चढ़ने की, तो उसने क्या किया, अपने साथ के क्लाइंबर को जो लगभग मर ही चुका था उसको अपने ऑक्सीजन शेयर कर उसको बचाई। जैसा आप लोगों को पता ही है कि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा चोटी है, नियरली 8848 मीटर उसका हाइट है। तो उस पर चढ़ते समय क्या होता है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या अदर्स कॉज माउंट एवरेस्ट पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे माउंटेनियर्स अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं ताकि उनको सांस लेने में तकलीफ़ ना हो। ठीक उसी तरह संतोष यादव के एक कंपेनियन साथी जो थे, जो उसके साथ चढ़ रहे थे, किसी कारण उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया या कोई प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर कर उसकी जान को बचाया। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन का निशानी है। सी वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडो नेपालीज वोमेन्स एक्सपीडिशंस दैट स्केल द एवरेस्ट एंड सी बिकेम द फर्स्ट वोमेन टू स्केल द पीक्स ऑफ द एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। मई 1993 में नेपालीज वोमेन, नेपाली औरतों का एक दल जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के लिए टीम बनाया गया, तो संतोष यादव को भी उसमें ऑफर मिला तो वो भी तैयार हो गई और वो मई 1993 में फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और दुनिया की पहली महिला बन गई जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। व्हेन सी अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग शी सेज इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर एज अ ट्रू इंडियन। कह रहे कि जब वो वहाँ जाकर भारतीय झंडा फहराई तब जाकर उसको कहती हैं कि इन खुशियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अपने आप को एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रही थी। ए वेरी फ्रीवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष टॉट ऑल द माउंटेनियर्स ए लेसन बाय ब्रिंगिंग डाउन 500 केजीज ऑफ गार्बेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिमालयस। कह रहे कि एक अच्छी माउंटेनियर्स के साथ साथ वो एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती या वहाँ से
जब वापस आती तो वहाँ फैले हुए कूड़े कचरे को वो अपने साथ लेकर आती और लगभग 500 केजी गार्बेज वो कलेक्ट की थी। साथ ही साथ ये उसने दूसरे माउंटेनियर्स को भी ये रास्ता दिखाया कि हम लोग अपने माउंटेन को किस तरह साफ रख सकते हैं। सी वॉज एन ऑप्टिमम ऑफ ग्रीट डेडिकेशन एंड स्ट्रगल हु प्रूव टू बी एन अल्टीमेट विनर ऑफ प्राइड ऑफ द नेशन। उसने ये दिखाया कि हम लोग अपनी तकलीफ, रास्ते में आने वाली रुकावटों, इन सब से अगर अपनी दृढ़ शक्ति, इच्छा, मेहनत से लड़े तो हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।